हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल डिश बाय सारिका के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिना भिगोए साबूदाना की एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत इजी है और झटपट से बन जाती है। तो आपका अगर व्रत है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए आज की बढ़िया रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। व्रत का खाना बनाने के लिए पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप साबूदाना और उसे थोड़ा सा गर्म करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, करीब 5 मिनट तक रोस्ट करना है। रोस्ट होने के बाद ये थोड़े से उछलने लगते हैं, इसी स्टेज पर हमें गैस ऑफ करना है। इसे अब हम एक मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं और इसका स्मूथ पाउडर रेडी करना है। इस पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। हरी मिर्च के साथ मैंने जीरा, लहसुन, धनिया के पत्ते, इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर उसका पेस्ट बनाया था, तो उसी पेस्ट को मैं 1 चम्मच यहाँ डाल रही हूँ। आपको जैसा तीखा पसंद है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार व्रत का नमक यानी कि सेंधा नमक इसमें डालेंगे। आप अगर नमक नहीं खाते हैं तो सेंधा नमक यूज़ कीजिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 उबले हुए आलू। इसे इस तरह से कद्दूकस करके लेना है। अब इस आलू को इसमें डालना है बिल्कुल इस तरह से और हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। यकीन मानिए आज की ये साबूदाना की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। पूरा वीडियो देखिए, आपको फुल प्रोसीजर जो है रेसिपी का वो समझ में आ जाएगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें डालना है 1 कप के करीब दही और अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल इस तरह से मिक्स करना है। इसके ऊपर ढक्कन क्लोज करके करीब 10 मिनट तक भिगोने के लिए साइड में रखना है। 10 मिनट बाद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भीग चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा डालना है। थोड़ा सा ही बेकिंग पाउडर जितना डाला है ना उससे भी कम बेकिंग सोडा डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ख़राब हो सकते हैं आपके, मतलब ज़्यादा फूल जाने की वजह से वो टूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ही डालना है। इसमें डालेंगे 2 कप मूंगफली का पाउडर। यानी मूंगफली को मैंने रोस्ट करके मिक्सी में ग्राइंड करके लिया था, तो उसी का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ मैं ले रही हूँ ये अप्पे का पैन। इसे ऑयल से इस तरह से ग्रीस करना है और इसके अंदर इस बैटर को डालेंगे। इसी तरह से सारे बैटर को डालकर रेडी करना है। अब हम इसे गैस पर सेकने के लिए रखेंगे। ऊपर का लीड क्लोज करके इसे करीब 5 मिनट तक सेकने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सेक चुके हैं। तो इसे हम धीरे धीरे स्पून की हेल्प से पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और हमारे साबूदाना के अप्पे व्रत के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके साबूदाना की खिचड़ी खा कर बोर हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पर आप इस तरह की नई रेसिपी बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी बैटर से हम साबूदाना का डोसा भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डोसा बनाकर दिखाती हूँ। इसे दूसरे वाले साइड से भी अच्छे से सेक लेना है। तो गैस पर हम एक डोसा पैन रखेंगे और उसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करना है और स्पून की हेल्प से इस तरह से बैटर को डालेंगे और हाथों को थोड़ा ठंडा पानी लगाकर इस तरह से दबाना है और इसका साइज बड़ा करना है बिल्कुल इस तरह से। आपको जैसा साइज पसंद है उस साइज से आप बना सकते हैं। करीब 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर सेकना है। पलटने में जल्दबाजी नहीं करना है। 10 मिनट बाद अच्छे से सेकने के बाद ही इसे पलटना है। अगर आप जल्दबाजी करके पलटने जाएंगे ना तो वो टूट सकती है, इसलिए आपको धीरे धीरे इसमें पेशेंस रख के आपको डोसा बनाना है। 10 मिनट बाद इसे इस तरह से पलटना है।
ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सेक चुकी है, कलर भी कितना अच्छा आया है। इसी तरह से दूसरे साइड को भी 5 मिनट तक सेकना है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं और एक डोसा आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से ऑयल को ग्रीस करना है और थोड़ा बैटर इस तरह से तवे के ऊपर डालेंगे। हाथों को पानी लगाकर इस तरह से स्प्रेड करना है। ये थोड़ा बड़ा ही हो गया, कोई बात नहीं, आपको जैसा साइज पसंद है ना वैसे आप बना सकते हैं। दोनों साइड से ये देखिए हमारे साबूदाना के टेस्टी डोसा बिल्कुल तैयार है। व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे अप्पे भी बिल्कुल तैयार है। आपको आज के मेरे दोनों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के साथ।